17वीं लोकसभा के संसद के बजट सत्र की शुरुआत सोमवार से हो गई। इस बार संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई बड़े चेहरे सेंट्रल हॉल में नजर नहीं आएंगे। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी शामिल हैं। 17वीं लोकसभा में सांसदों की शपथ का सिलसिला दो दिन तक चलेगा। 19 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, जबकि 20 जून को राष्ट्रपति संसद के दोनों सत्रों को संबोधित करेंगे। लेकिन इस सब के बीच इस सत्र में कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो सदन में नजर नहीं आएंगे। इनमें पक्ष और विपक्ष के कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी आवाज सदन में लंबे समय तक गूंजती रही है। 28 साल तक राज्यसभा में रहने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल कुछ दिन पहले ही खत्म हो चुका है। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा भी लोकसभा में नजर नहीं आएंगे। उन्होंने इस बार कर्नाटका की तुमकुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो यहाँ से BJP के GS बसवराजू से चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पिछली लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। इस बार गुलबर्गा लोकसभा सीट से वो भाजपा के उमेश जाधव से हार गए। कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाने वाले खड़गे इससे पहले 11 चुनाव लड़े और सभी चुनावों में उन्होंने जीत दर्ज की। कांग्रेस के चर्चित और युवा चेहरों में शामिल ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लोकसभा में नजर नहीं आएंगे। इस बार वो मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट से चुनाव हार गए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछली लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता थे और चीफ व्हिप थे। इसके अलावा CPIM के दिग्गज नेता मोहम्मद सलीम भी इस बार लोकसभा चुनाव हार गए। मोहम्मद सलीम लोकसभा में CPIM के नेता भी थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज, सुमित्रा महाजन और उमा भारती भी इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़े थे। ऐसे में ये दिग्गज नेता भी लोकसभा में नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा भी विभिन्न दलों के तमाम नेता इस बार संसद में दिखाई नहीं देंगे। इनमें से ज्यादातर विपक्षी दलों जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस के नेता शामिल हैं, जो चुनाव में जनता का विश्वास ना जीत पाने के कारण इस बार संसद नहीं पहुंच सके। अंकुश चौबे, गो न्यूज़।